नाना इस देश लाडो अपने प्यारे युगल राघव सिया को विदा करने के बाद 18 साल की एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। अब अम्मा जी का परिवार वीरपुर के ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय राजधानी के ग्रेटर कैलाश जैसे आलीशान जगह की ओर बढ़ेगा। सिमरन कौर और वैष्णवी धनराज अब नजर आएंगी ना आना इस देश लाडो में, जो कि राघव और सिया की जुड़वा बेटियों का किरदार निभाएंगी। हमने बात की इन दो नए चेहरों से। नाना इस देश लाडो के दो नए किरदार यानी कि दो नए चेहरे मेरे साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, एक तरफ अम्बा जी की पाली हुई बेटी और एक तरफ अम्मा जी की पाली हुई बेटी। तो इस तरफ मेरे अम्बा जी की पाली हुई बेटी, सबसे पहले उनसे बात करते हैं, आपके बारे में, हम आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। मैं अम्बा जी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मैं बहुत ही स्ट्रांग लड़की हूँ। उन्हें जो खुशियां नहीं मिली है जिंदगी में उन्होंने मुझे दी है। मैं बहुत, मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत बातें करता है, बहुत खुश रहता है, बहुत हंसता रहता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मेरा कैरेक्टर ताइक्वांडो करता है, बाइक चलाता है, गाड़ी चलाता है, हॉर्स राइडिंग करता है, फायरिंग शूटिंग आता है। शी डोज एवरीथिंग व्हाट अ गाय शुड नो। लड़कों को भी शायद इतना पता नहीं होगा, वो सबकी टांग खींचती रहती है, बहुत मस्ती करती रहती है, लेकिन वो अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए खड़ी होती है और सही चीजों के लिए लड़ती है। ये सब उसे अम्बा ने सिखाया है। उसका कैरेक्टर बेसिकली बहुत स्ट्रांग है, शी इज वेरी वेरी स्ट्रांग वुमेन। जिस तरह से अम्बा जी टफ थी पूरे सीजन में, वैसे ही टफ ये भी है। शी इज वेरी वेरी टफ, बस इसमें इतना है कि बहुत हंसती रहती है। चलिए अब बात करते हैं अम्मा जी की, जो उनकी अम्मा जी के साथ रही, उनके साथ पली बड़ी, आपके बारे में, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। मैं, अम्मा जी ने मुझे बड़ा किया है। मैं एक लड़की पोर्ट्रे कर रही हूँ जो बहुत सिंपल है, स्वीट है, कल्चर्ड है, अम्मा जी से बहुत डरती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है उन्हें और सबको, और उनका प्यार ढूंढती रहती है अम्मा जी का। वो कुछ भी करने को तैयार है कि वो एक नजर प्यार से उसको देख लें। वीरपुर के बाद अब अम्मा जी दिल्ली पहुंच गई हैं, तो क्या आप दिल्ली में रहें कि वीरपुर में भी साथ में थी वहाँ पे? नहीं, एक्चुअली आई थिंक बहुत बचपन से ही हम दिल्ली में आ जाते हैं, तो मेरा ब्रॉट अप सब कुछ वो दिल्ली में ही हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखा, इस तरफ मेरे राइट साइड में जो अम्बा जी की बेटी है, और इस तरफ बेटी नहीं कहेंगे इनको, आपके पति जी कहेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं। ओके, ये बुआ है और पता भी नहीं है, बहुत सारे ट्विस्ट हैं इसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे किरदार जो अब आने वाले हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आशा करेंगे इन लोगों की कला आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। एक चीज और, हाँ प्लीज, मैं बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने अभी तक लाडो को बहुत प्यार किया है, उस तरह अभी भी कीजिए, क्योंकि अभी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है और हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम आपको बिल्कुल बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। सो प्लीज नाना इस लाडो देखते रहिए। इनके प्लीज जो इतना लंबा वाला प्लीज था, उसको जरूर, उसको रख के अपने दिमाग में इस शो को जरूर देखिएगा। कैमरामैन नैन के साथ सैयद मोहम्मद सोबान, द न्यूज़ बॉन्ड.कॉम, लखनऊ।